नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज का ये मेरा वीडियो पैगाम भारत सरकार के लिए भी है, आज का ये मेरा वीडियो पैगाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी है, आज का मेरा ये वीडियो पैगाम देश की 132 करोड़ जनता के लिए भी है। कल जो दर्दनाक घटना दिल्ली पुलिस और एक सिख जेंटलमैन के साथ हुई, उस घटना को किसी कीमत पर भी राजनीतिक कलर ना दिया जाए, राजनीतिक रंग ना दिया जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। गुरु साहब की मीरी पीरी तलवार बहुत बड़ी शिक्षा देती है हमें। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी औरंगजेब के साथ और हिंदुओं की और ब्राह्मण समाज की रक्षा की, उनके तिलक और जनेऊ की रक्षा की, उनकी कुर्बानी के आगे हर चीज बोनी है। दिल्ली की घटना को जिस तरह उस पर राजनीति की जा रही है, मैं समझता हूं कि कानून से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह तो कोई किसी भी रूप में भीड़ के रूप में, कल को कोई भीड़ अदालत की कार्रवाई में आड़े आ सकती है कि जज साहब इसको सजा देकर दिखाओ फिर हम आपको बताते हैं। क्या कोई व्यक्तियों का झुंड देश के कानून, देश के संविधान से बड़ा हो सकता है? देश की 132 करोड़ आवाम को, देश की 132 करोड़ जनता को, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, सबको चिंतन करना होगा। गुरु साहब की तलवार जब भी उठी, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उठी। गुरु साहब ने कभी जात पात का जहर नहीं, उसकी शिक्षा नहीं दी, पहली पातशाही से लेकर दसवीं पातशाही तक। दसवीं पातशाही ने तो गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर दी और हर सबको हुक्म दिया, हर सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा दी दे। मैं खुद वीरेश शांडिल्ला इस बात को सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि जो ब्राह्मणों के मंदिर हैं वहाँ भगवान परशुराम के साथ साथ गुरु तेग बहादुर की भी प्रतिमाएं लगाई जाएं, चित्र लगाए जाएं। आज मैं जो तिलक लगाकर बैठा हूं बिन्य ब्राह्मण, वो देन है गुरु तेग बहादुर जी की। हमारे पास बहुत लड़ाइयां हैं लड़ने के लिए, लेकिन ये जो कल जो दिल्ली में घटना हुई, वो थ्री व्हीलर का ड्राइवर जो सिख जेंटलमैन था, अगर मैं उसकी पूरी वीडियो को देखूं या हमारे देश की 132 करोड़ जनता देखे, तो पहला अटेम्प्ट जो है मेरे उस सिख जेंटलमैन भाई ने किया, जो दर्दनाक बात है। और मैं समझता हूं इस लड़ाई को कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ना लड़ा जाए। ये लड़ाई अचानक सड़क पर हुई, एक तरफ दिल्ली पुलिस थी, दूसरी तरफ वो सिख जेंटलमैन था। मैं नहीं समझता कि जिस तरह वो तलवार लहराई जा रही थी वो कोई अच्छी बात थी। मैं नहीं समझता उस तलवार से जो वार किया गया, इंजरी दी गई दिल्ली पुलिस को, वो अच्छी बात थी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि दिल्ली पुलिस को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं था, उन्होंने जिस तरह की लाठी चार्ज की। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर देश की पुलिस डिमोरलाइज हो गई,
चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो हिमाचल पुलिस हो, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे वो बिहार की पुलिस हो, चाहे वो चेन्नई मद्रास की पुलिस हो, चाहे तमिलनाडु की पुलिस हो, पुलिस स्टेट की स्पाइन होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करती है, लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखती है। किसी भी न्यूसेंस के लिए जो है पुलिस का बहुत बड़ा, उसको रोकने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ग्रेट सेक्रीफाइस से भी वो पीछे नहीं हटते। बहुत बड़ी दलील मैं पंजाब पुलिस की दूंगा। जब पंजाब आतंकवाद के भय से खाली हो चुका था तो उस वक्त कितने आईजी, डीआईजी, आईएसपी, डीएसपी, एसएचओस, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इन्होंने अपना, कितनों ने अपना, पंजाब पुलिस के जवानों ने अपना खून दिया। तो जो कुछ भी वारदात हुई, सबसे पहले तो मैं दिल्ली भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि जो लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, जो इसे कौम से जोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और वहां उस भीड़ में खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे, ये दुख की बात है। अपने ही देश के अंदर, अपने ही भारत के अंदर, जिस मुल्क को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मदनलाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे शूरवीरों ने अपनी कुर्बानी, फांसियां देकर, अपना लहू देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, इस देश को भारतीय तिरंगा दिलाया, आज भारत आज़ाद है। इस तिरंगे को लहराने के लिए कारगिल के अंदर हमारे कितने जवानों ने शहादत दी, उसी झंडे और देश के खिलाफ जो है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, उस लड़ाई के साथ दिल्ली पुलिस की और सिख जेंटलमैन की लड़ाई के साथ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे थाने के बाहर कहाँ से आ गए, इस बात के ऊपर अमित शाह जी को चिंतन करना होगा। और मैं मांग करता हूँ, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया मांग करता है कि तुरंत दिल्ली पुलिस के उन जवानों को बहाल किया जाए। उनके खिलाफ FIR कर दी है, काफ़ी है, जितना उन्होंने अटेम्प्ट किया उनकी सजा, उसकी FIR दर्ज हो गई। और सिर के ऊपर जो है शार्प इंजरी है। मैं रात एक DCP का बयान सुन रहा था कि जो भी मेडिकल ओपिनियन आएगी, मेडिकल ओपिनियन क्या है कि तलवार सर पे लगी है, 2x2, एक IPS ऑफिसर ये कहे कि मेडिकल ओपिनियन आएगी, तलवार थोड़ी देखती थी कि कहाँ लगेगी वो, अगर वो ज़्यादा अंदर तक चली जाती तो स्पॉट ही डेथ हो सकती थी उस दिल्ली पुलिस के मुलाजम की जो सादी वर्दी में था। और मैं देश के एक सिख जेंटलमैन ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, मैं श्लाघा करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, ऐसे सिख को मैं सल्यूट करता हूँ, यही सच्चे गुरु के सिख हैं, इन्हीं को सल्यूट करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, भाई मतीदास सतीदास जी ने भी शहादतें दी हैं, क्योंकि गुरु साहब की डिक्शनरी में धर्म और जात पात की बात नहीं थी, गुरु साहब की डिक्शनरी में तो एक ही बात थी, सरबत का भला, एक ओंकार, सतनाम। तो हमें उस सोच पर चलना होगा जो दिल्ली में इस लड़ाई को एक मामूली, हर रोज इंडिया में सड़कों पर ना जाने कितने लोग लड़ते हैं आपस में, पुलिस वालों के साथ मैं तू होती है, हाथापाई होती है, मैन हैंडलिंग होती है, लेकिन एक तलवार जो अमृत पान किया है, जो अमृत पान की शुरुआत 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब से की, पहले जब वो अमृत पान करवा रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, उस टाइम वो गुरु गोविंद राय थे, उन्होंने पहले अमृत पान करवाया, जिन लोगों को, 5 प्यारों को अमृत पान करवाया वो सारे हिंदू जेंटलमैन थे, और वो अमृत पान के बाद खुद अमृत छका उनसे उसी बाटे में, और गुरु गोविंद सिंह बने, और वो 5 प्यारे पूरे समाज में, देश में एक अलग पहचान रखते हैं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनको तैयार किया गया था। तो इस तरह, जिस तरह ये एक लड़ाई को, एक मामूली लड़ाई को धर्म के साथ जोड़ दिया, सिक्खी के साथ जोड़ दिया, ये हिंदू और सिखों के रिश्ते को कमज़ोर करने की साजिश, मैं समझता हूँ इस साजिश में दिल्ली के आम सिखों का योगदान नहीं है। दिल्ली के आम, हिंदुस्तान के आम सिख आज भी
हिंदू सिखों में कोई फर्क नहीं है कि सिक्के के दो पहलू हैं, जो यूके में बैठ के कनाडा में बैठ के पंजाब का माहौल ख़राब कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, फंडिंग करते हैं, देश का माहौल ख़राब करते हैं। दिल्ली में भी ऐसे ही लोगों ने देश का माहौल ख़राब किया। मैं तो ये भी मांग करूँगा कि जो दिल्ली सरकार ने हवा दी है, अमित शाह जी को ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है, ये इशू देश में आग लगा सकता था। एक मामूली सी लड़ाई को दंगों का रूप दे दिया। एक क्या 1984 को भूल गया हमारा देश, कितनी तकलीफ दर्दनाक घटना थी। जैसे हम 84 को नहीं भूले, पंजाब में 35,000 हिंदू फैमिलीज को मार दिया गया। हमने हिंदू, जो सच्चा हिंदू है, जो सिख से प्यार करता है, वो गुरु नानक देव पहली पातशाही से लेकर 10वीं पातशाही से प्यार करता है, वो 84 की घटना की भी निंदा करता है, 84 की घटना के दोषियों को भी सजा की मांग करता है, और जो 35,000 हमारे हिंदू मरे हैं उनको भी सजा की मांग हम आज तक कर रहे हैं। तो मैं उस सिख भाई से मांग करूंगा और पुलिस इस लड़ाई को खत्म किया जाए, और अगर लड़ना भी है तो लीगल बैटल लड़ी जाए। और मैं दिल्ली के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग करता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के जस्टिस से करवाई जाए, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है। कौन लोग हैं, किन्होंने इसको कलर दिया, किन लोगों ने इसमें जाति दंगा फैलाने की साजिश रची, कौन लोग थे, किन लोगों ने उसको शह दी, एक ड्राइवर को, सिख जेंटलमैन को, क्यों उसने तलवार निकाली, किसके इशारे पर तलवार निकाली, सिर पे वार क्यों किया दिल्ली पुलिस के, ऐसी उन्होंने जब उसने तलवार निकाली हुई थी, दिल्ली पुलिस ने उस टाइम कोई अटेम्प्ट नहीं किया, उसके बाद हुआ सब कुछ। जब एक एक वर्दीधारी, एक ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही प्राइम मिनिस्टर के काफिले को रोक सकता है ड्यू टू वर्दी, एक पुलिस वाला वर्दी में था, उसके आगे आप तलवार लहराओगे या उसको तलवार दिखाओगे, वो क्या देश की रक्षा करेगा, वो क्या हमारे स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर देगा। इस इन तमाम चीज़ों को देश की 132 करोड़ जनता को सोचना होगा। ये भीड़ के रूप में, मॉब लिंचिंग के रूप में कोई भी व्यक्ति आकर 100, 200, 500 हज़ार इकट्ठे हो गए, किसी का दफ्तर फूंक दें, किसी का घर फूंक दें, किसी को जिंदा फूंक दें, तो ये न्याय संगत नहीं है। कानून, संविधान इस तरह का हमें अधिकार नहीं देता। देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसके अंदर तुरंत गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि इस तरह के मुद्दों पर जो मॉब लिंचिंग के रूप में आके दहशत क्रिएट करते हैं, इस तरह तो दिल्ली पुलिस डिमोरलाइज हो जाएगी। दिल्ली के अंदर तो बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं, दिल्ली पुलिस के पीछे जवानों ने आतंकवादी पकड़े हैं। NIA जब दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, वो NIA कौन है, NIA भी दिल्ली पुलिस के लोग हैं। तो इसके ऊपर हमें चिंतन करना होगा। हमारा एंटी अटैचमेंट इंडिया उस सूरत में उस सिख जेंटलमैन के साथ है, अगर वो समझता है कि उसके साथ जाती हुई है, अगर वो समझता है कि तलवार खोल के देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश की नीयत से कुछ शरारती तत्वों के इशारे पर अगर वो इतना बड़ा मामला बनाने की कोशिश की जाएगी, तो हमारा फ्रंट एंटी टेररिस्ट इंडिया जो है दिल्ली पुलिस के साथ है, और दिल्ली पुलिस को इतनी सजा देने की जरूरत नहीं। अगर पुलिस का मनोबल गिर गया, दिल्ली पुलिस पूरा देश, पुलिसिया सिस्टम पूरा देश देख रहा है, अगर वहाँ का मनोबल गिर गया, पुलिस का मनोबल गिर गया, तो देश में जंगल राज हो जाएगा। कोई गाड़ियों में सफ़र नहीं कर पाएगा, बसों में सफ़र नहीं कर पाएगा, हमारी माता बहनें पैदल नहीं चल पाएंगी, सफ़र नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके ऊपर गंभीर भाई अमित शाह जी इसके ऊपर संज्ञान लें। मेरा अगर ये वीडियो आपको समझ आए, अच्छा लगे, और जात पात धर्म से ऊपर ये मेरा वीडियो लगे, तो ये शेयर किया जाए, ये अमित शाह जी तक जाए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक जाए, ये देश के हर सिख समाज, हिंदू समाज तक जाए, जो लोग गुरुओं की सोच से पहरा देते हैं। अगर मैं दरबार साहब में शीश नवाता हूँ, बंगला साहब में शीश नवाता हूँ, नंदेड़ साहब में शीश नवाता हूँ, तो हमारे सिख भाई ज्वाला जी आते हैं, नैना देवी आते हैं। तो हिंदू और सिख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग वहाँ धर्म और जात के नाम पर वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ खालिस्तान के नारे लगाए, उनके खिलाफ अलग FIR दर्ज होनी चाहिए, और उनको चिन्हित करना चाहिए कि किन लोगों ने किसके इशारे पर वो नारे लगाए, और क्या इस दौरान, जब ये सारा लोग इकट्ठे हुए, इस दौरान क्या कोई UK से जो लोग उनको लीड कर रहे थे, क्या उनके पास UK से, कनाडा से किसी ऐसे लोगों का फ़ोन तो नहीं आया जो हिंदुस्तान
को तबाह करने के मूड में थे, हिंदुस्तान में हिंदू और सिखों को लड़वाने के मूड में थे। मेरा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।